नमस्कार क्रिकेटिंग के दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आईपीएल 2024 के अनुमानों की ओर बढ़ेंगे, खासकर चेन्नई सुपर किंग्स पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आईपीएल 2023 में जीत के बाद बड़ा सवाल ये है, सीएसके कौन सा खिलाड़ी अगले सीजन के लिए रिलीज करेगा। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। नंबर 5 पर है अंबाती रायडू। जैसे आपको पता है, रायडू ने आईपीएल से संन्यास ले लिया है। इसके साथ ही सीएसके को 5.7 करोड़ का फायदा होगा, एक स्ट्रेटेजिक कदम ऑक्शन के बजट को बढ़ाने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 पर है भगत वर्मा। आईपीएल 2023 में सीएसके ने उसे खरीदा, लेकिन खेलने का मौका नहीं मिला। यह संभावना है कि सीएसके उसे छोड़ देगा, जगह बनाने के लिए किसी स्थानीय तेज गेंदबाज के लिए। नंबर 3 पर है दो नाम, काइल जेमिसन और सिसांदा मगाला। जेमिसन की चोट के कारण उनका 2023 का सीजन गुजरा। मगाला ने जेमिसन को रिप्लेस किया, लेकिन प्रदर्शन नहीं सामने आया। सीएसके इन दोनों को रिलीज कर सकती है और अगले ऑक्शन में एक मजबूत विदेशी गेंदबाज को नजर में रख सकती है। दूसरे नंबर पर है द्वेन प्रेटोरियस। कम मौके आईपीएल 2023 में और सीएसके की टीम में कई ऑलराउंडर्स के होने के कारण प्रेटोरियस को रिलीज करना लॉजिकल है। सीएसके किसी और विदेशी खिलाड़ी को टीम में लाने की सोच सकती है। और अब सबसे बड़ा नाम नंबर 1 पर है, बेन स्टॉक्स। 2023 में सीएसके ने उन्हें 16.25 करोड़ में खरीदा था, लेकिन उनकी चोट के कारण उनकी भागीदारी में कमी रही। और आईपीएल 2024 के बाद T20 विश्व कप है, इससे तकलीफ हो सकती है। सीएसके उन्हें छोड़कर एक अच्छे क्वालिटी के ओवरसीज खिलाड़ी को खरीद सकती है। तो यह रहा हमारा टॉप 5 पिक जो सीएसके के रिलीज होने वाले खिलाड़ियों का है। आपका यह क्या राय है? आप अपने टॉप 5 पिक हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, अपने क्रिकेट दोस्तों के साथ शेयर करें और क्रिकेटिंग को सब्सक्राइब करें। तब तक टेक केयर और बाय बाय।